वेलकम टू नॉलेज बैंक टीवी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से वाकिफ हो सकें। शुक्रिया दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बिगनर्स फेस करते हैं जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं कोई भी। तो इनमें से जो प्रॉब्लम्स मैंने ख़ुद भी फेस की वो मैं आपको इसमें फेस बता देता हूँ इस वीडियो में। एक सबसे पहले माइंड डाइवर्ट होता है कि कोई मेरे क्लासमेट्स कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं और मैं कुछ और सीख रहा हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ। सेकेंडली, जॉब के हवाले से परेशान होना कि मुझे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से जॉब मिलेगी या नहीं। थर्ड ये कि कोई ऐसा टॉपिक आ जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में स्पेसिफिक के जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो और आप उसको स्किप कर दें या क्या कहते हैं आप उस टॉपिक की वजह से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना ही बंद कर दें। दोस्तों, ये तीन वो कॉमन प्रॉब्लम हैं जो अमूमन बिगनर्स फेस करते हैं, जो कि मैंने ख़ुद भी करी। तो इसके सॉल्यूशंस मेरी कोशिश होगी आपको जिस हद तक वो प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी इंसान पे ख़ुद भी डिपेंड करता है वो किस तरीके से सोचता है, तो प्रॉब्लम्स उसकी मुख्तलिफ हो सकती हैं। सबसे पहले जो पहली प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन को इस तरह दूंगा। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम वन। दोस्तों, सबसे पहले जब सेमेस्टर वाइज आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड करते हुए मज़ा आ रहा हो या आपको बर्डन फील ना होता हो अपने ऊपर, तो उसको चूज़ कर लें और उसी पे फोकस रखें। यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने तक इंशाल्लाह जो आपको जॉब मिल जाएगी, चाहे पूरी क्लास कुछ भी सीख रही हो, जब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पे ग्रिप हो जाएगी तो प्रॉपर आपको दूसरी लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बस सिंटैक्स देखना होगा और इम्प्लीमेंटेशन कोड की, बाकी आप खुद ही किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर स्विच कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सी शार्प या जावा पिक करें और उस पर ग्रिप अच्छी करें। इंशाल्लाह आपकी ग्रिप अच्छी होने के बाद किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में मुश्किल नहीं आएगी। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम टू, क्योंकि अभी एज अ बिगनर आपके सीखने का अमल है। अगर तो आप डिप्लोमा यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने में टाइम है तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ग्रिप अच्छी कर लें, उसके बाद दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर स्विच करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर तो आपके पास टाइम कम है, आपका थर्ड ईयर या फाइनल ईयर है, आप अपने टीचर से गाइडेंस लें मार्केट के हवाले से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन है मार्केट में। कॉमनली जो पाकिस्तान मार्केट्स में काम हो रहा है वो .NET, जावा एंड PHP पे हो रहा है, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट और Node.js पे भी जॉब्स आ रही हैं जिस पे जो आप कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए। सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम थ्री, अगर आपके पास सीखने का अमल में कोई ऐसा टॉपिक आ जाए तो आपकी समझ ना आ रहा हो तो उनको उसको उससे एग्जॉस्ट ना हो, उसको सीखने की कोशिश करें। अगर आपको टीचर से समझ नहीं आ रहा तो अपने फ्रेंड से सीखें या यूट्यूब पे मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। उसी टॉपिक उस मुख्तलिफ लोगों के उसी टॉपिक से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं वो देखें। आप 10 बंदों के देखें, 10 बंदों 20 बंदों के देखें, आपको उन 10-20 बंदों में से पाँच का तो कुछ समझ में आएगा जिससे आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हुई होंगी। दोस्तों, प्रोग्रामिंग के हवाले से कोई भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो तो उससे डरें ना, अगर क्योंकि आगे फ्यूचर में प्रोग्रामिंग एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। अगर तो आप फ्यूचर को कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें बोनस एडवाइस मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप पाइथन को कंसिडर कर लें, और अगर आप रिसर्च बेस वर्क करना चाहते हैं तो पाइथन एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, क्योंकि पाइथन का स्कोप आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से बढ़ रहा है और डेटा साइंसेज और बिग डेटा को हैंडल करने में या AI से रिलेटेड एप्लीकेशन में पाइथन का यूज़ आ रहा है, और आगे फ्यूचर में पाइथन आपके लिए एक बेहतरीन लैंग्वेज साबित हो सकती है एज अ करियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मेरी आने वाली इस तरह की वीडियोस से सबसे पहले वाकिफ हो सकेंगे। शुक्रिया।